मेरे ये उंगली में फ्रैक्चर था, थंब में दो जगह, और स्टिचीज हैं हाथ में, सब 20-22 स्टिचीज हैं, और ये थंब बिल्कुल अलग हो गया था। एक लड़के को कम से 8-9 पुलिस मिलके मार रही थी, बहुत बुरा हाल कर दिया, और 3 लड़के आईसीयू में भी हैं। जब उनका हाथ में डैमेज जो हुआ है वो पूरे चारों उंगलियाँ जा चुकी हैं, पांचवी उंगली जो है अभी इस पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है, ये बचेगी नहीं, अगर वो पूरा पाम जो है चला जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध की जो हवा है वो दिल्ली से होकर एएमयू भी पहुंच चुकी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है, जहां स्टूडेंट ने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर विरोध किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस बुला ली, जिसके बाद स्टूडेंट के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, डंडे से हमला किया गया और उसमें कई स्टूडेंट घायल हुए। हम इस वक्त जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में हैं, ये एएमयू का हॉस्पिटल है। मैं प्रोटेस्ट की 7-10 पे न्यूज़ सुनी थी व्हाट्सएप पे, मैंने जामिया की वहाँ लोगों पर लाठीचार्ज स्टूडेंट्स को मारा गया कैंटीन पर अंदर, तो उसमें मीटिंग रखी थी बाबे सैयद पर, जल्दी से पहुँचें, तो मैं वहीं घर से अपने चुंगी पे से पहुँचा, तो जब मैं वहाँ पहुँचा 8 बजे करीब, तो वहाँ पहले से ही पुलिस ने जो था टीयर गैस के गोले मारना शुरू कर दिए थे, पहले से स्टार्ट थे जब हम लोग पहुँचे सब, और वहाँ मुश्किल से 50-60 स्टूडेंट थे पहले, जब बाद में हम सब पहुँचे और भीड़ आई है, फिर स्टूडेंट्स ने भी बदले में आगे तक जाने की कोशिश करी, तब उन्होंने जाके फिर टीयर गैस और फिर लास्ट में ये हरकत की कि टीयर गैस की जगह जो साउंड वाले शॉट थे वो मारने लगे, जिससे हाथों में लगी है सब लोगों के, समझे टीयर गैस है, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए मैंने कीच में डालने की कोशिश करी, जो पानी था गेस्ट हाउस 3 में, तो वो डाल ही रहा था मैं, इतने वो ब्लास्ट हो गया। इसमें मेरे ये उंगली में फ्रैक्चर था, थंब में दो जगह, और स्टिचीज हैं हाथ में, सब 20-22 स्टिचीज हैं, और ये थंब बिल्कुल अलग हो गया था, तो इसको इन्होंने ऑपरेट करके अटैच किया वायर डाल के दोनों तरफ। प्रोटेस्ट करने गया था वहाँ पर, जैसे नॉर्मल प्रोटेस्ट होते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट करने गया हुआ था वो, और वहाँ फिर पता नहीं मतलब उसने जो बताया उसके अकॉर्डिंग लोगों ने बेतरतीब तरीके से टीयर गैस जो थे वो छोड़े वहाँ पर, तो वो उसके हाथ में आकर फटा। जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने उसको देखा, उसको एडमिट किया गया यहाँ पर JNMC में, फिर उसके बाद उसका OTG में उन्होंने रेफर कर दिया उसको। जब उनका हाथ में डैमेज जो हुआ है वो पूरे चारों उंगलियाँ जा चुकी हैं, पांचवी उंगली जो है अभी इस पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है। पुलिस कैंपस के अंदर घुसी है, आंसू गैस के गोले छोड़े पे छोड़े जा रही थी, और उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज के गाड़ी तक को तोड़ा है, लड़कों की गाड़ी जितनी भी लगी थी सब सारी गाड़ी को तोड़ दिया गया। एक लड़के को कम से 8-9 पुलिस मिल के मार रही थी। ये हमारे जो है यहाँ बैक में रबड़ बुलेट लगी है और 15-20 लाठी पड़ी और पैर पे मारे हैं, पैर सूज गया है, ये देखिए जो है यहाँ पे पूरा ये काला हो गया पैर हमारा। कल जो है मेडिकल में हम एडमिट हुए थे, फिर रात को जो है ये लोग पुलिस वाले आए, जितने लड़के एडमिट हैं उनके ऊपर FIR करने के लिए, तो वहाँ से इमरजेंसी में सबको हटाया गया। फिर देखिए जामिया कैंपस में जो घटनाएं हुई उसमें कुछ अफवाहें आईं, और उस अफवाहों के आधार पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। जैसे ही वो इकट्ठा हुए हमारी पुलिस अलर्ट थी, उनको समझाने का प्रयास किया, उनको कैंपस से बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया, उस पर उन्होंने पथराव किया, हमारे पुलिसकर्मियों ने भी टीयर गैस के गोले छोड़े, और उसमें हमारे पुलिसकर्मी भी हताहत हुए हैं, कुछ घायल हुए हैं। नहीं, हम यहाँ से MU से किसी ने कुछ नहीं किया, यहाँ से कोई किसी ने ना पत्थर मारा ना कुछ मारा, किसी ने भी पत्थर मारते तो कैंपस में पत्थर होते, यहाँ कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है वहाँ से ही। पर हाँ लड़के भड़के ज़रूर हैं जामिया को देख, वो जामिया में बहुत वो हुआ है हंगामा उसकी वजह से। इसमें 4 बच्चे अभी तक रिपोर्ट जो है हमारे पास आई है, 4 बच्चे इसमें इंजरी हुई है छोटे, सुना बाहर के कुछ तत्व शामिल होके उन्होंने दे ट्राई टू थ्रो द सिचुएशन फ्रॉम पैन टू फायर एंड सेंसिंग दैट के, और उसमें हम लोग के कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज ना किया जाए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जहाँ पर वाइस चांसलर साहब ने उसे कंट्रोल करके उन लोगों को वीड आउट करने के लिए इजाज़त दी।